माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अजय प्रकाश मिश्र और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा कसरावत संतोष सैनी के मार्गदर्शन में कसरावत पैरालीगल वॉलंटियर अकील खान और देवदत्त एकल द्वारा कसरावत तहसील के ग्राम पंचायत तिपलगोन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आपसे समझौते के द्वारा विवाद का निपटारा कैसे किया जाए इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पैरालीगल वॉलंटियर अकील खान ने बताया कि मध्यस्थता आज की आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि इसमें निराकरण जल्द होता है। आपसी सहमति से बात बनी रहती है, न किसी की हार न किसी की जीत, दोनों पक्षों का सम्मान और दोनों पक्ष मर्यादा में रहकर अपनी बात रखते हैं। वर्षों तक मुकदमे के निर्णय एक अंतर कर पर हर प्रतिदिन कार्यक्रम को छोड़कर न्यायालय में चक्कर लगाने से बचता है। कार्यक्रम में सरपंच अजय जोशी, पंचायत सचिव रामेश्वर सावनेर, पीसीओ राजेंद्र दुबे, रोजगार सहायक फिरोज खान सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में समापन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी की बोतल एवं छाते वितरित किए गए। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। ये जो आज कैंप लगा है, ये हमारे जिला न्यायालय की तरफ से है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके निर्देश पर हमने ये कैंप लगाया है और कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए आज हमने इस कैंप का आयोजन किया है। हमारे न्यायालय की जो मंशा है कि न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे और सरल न्याय और आसानी से न्याय व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर हम आज आए हैं। और आज हमने जो बात की है वो सामाजिक जो हमने समझौते के ऊपर विशेष रूप से बताया है कि किस तरीके से जो है हम समझौते द्वारा, क्योंकि मध्यस्थता और समझौते से हम आसानी से फैसले कैसे कर पाए, इस बारे में आज हमने जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था और हमने लोगों को बताया कि आप न्यायालय में समझौते के द्वारा भी, मध्यस्थता के द्वारा भी अपने मामलों को कर सकते हैं। इसमें जो हमने आज पंचायत में कार्यक्रम रखा था, इसमें हमारे सरपंच साहब और महिला बाल विकास की तरफ से भी सहयोग मिला है, इसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। और आज का ये कार्यक्रम कौन कौन से केस आ रहे हैं देखिए, इसमें जो समझौते योग्य केस है वो ये होता है कि यदि जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं उसमें यदि 2 साल की सज़ा तक के जो मामले होते हैं उन मामलों के लिए हम एक आवेदन न्यायालय में देते हैं तो मध्यस्थता के लिए, तो उसके द्वारा जो वो केस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विधिक सहायता की ओर, जहाँ पर हम दोनों पक्षों को बुला करके और इसके जो भी प्रशिक्षित लोग होते हैं वो दोनों पक्षों को बैठा कर उनकी बात करते हैं और उनके द्वारा इस तरीके के मामले को समझौते द्वारा हल किया जाता है। उसकी डिग्री बनती है और दोनों को देने के बाद एक प्रति जो है उसकी न्यायालय में भी जाती है। लेकिन यदि कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है और आप प्रारंभ से ही उसको समझौते द्वारा हल करना चाहते हैं तो भी हमारा तहसील पे और जिले स्तर पर एक विधिक सहायता का ऑफिस है, वहाँ पर जाकर के आवेदन देकर आप ऐसे मामलों को कर सकते हैं। उसमें चोरी के मामले होते हैं, केस चेक बाउंस के मामले हो सकते हैं या पारिवारिक विवाद के मामले हो सकते हैं, बंटवारे के मामले हो सकते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकते, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? आकिल खान, पैरालीगल वॉलंटियर कसरावत, मेरे साथी देवदत्त एकल। शुक्रिया सर, थैंक यू SW24 से बात करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।